इस वक्त आ रही है। मुंबई के खार रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद भी हो गई। और इन तस्वीरों में साफ दिखा कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद लड़के ने पहले तो खुद ट्रेन के आगे कूद कर नाटक करने की कोशिश की और फिर जब लड़की को जबरन घसीट कर वो ट्रेन के नीचे धक्का देता भी नजर आया है। काफी देर कोशिश के बाद जब वो कामयाब नहीं हुआ तो पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन यह पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हो गई। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जब तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, आरोपी पकड़ लिया गया है, क्या पूरी तरह से बता पाई है पुलिस इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, रेलवे पुलिस से जो जानकारी मिल रही है प्रशांत, उसके मुताबिक जो है लड़का और जो लड़की है, जो आरोपी है और जो पीड़ित लड़की है, ये दोनों जो है 2 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। उसी दौरान लड़के को एक तरफा प्यार लड़की से हुआ, जिसके बाद वो लगातार लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगा शादी के लिए, लेकिन लड़की ने जब इनकार किया तो वह लगातार उसका पीछा तब भी करता रहा। इसको लेकर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, जो मुंबई का है, वहां पर लड़की ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों तक उसे डिटेन करके था। लेकिन कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद दोबारा वो उस लड़की का पीछा करने लगा और इसी दौरान जो है उसे ये जानकारी मिली कि जो लड़की है वो अंधेरी से ट्रेन पकड़कर खार आने वाली है करीब 8:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को। उस दौरान वो स्टेशन पर मौजूद था। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करती है, उसी दौरान वो सबसे पहले खुद को ट्रेन के सामने कूदने की एक्टिंग करता है और उसके बाद जब वो नहीं कर पाता है तो उसके बाद फिर जब लड़की उतरती है तो उसको जबरदस्ती जो चलती ट्रेन है उसके नीचे फेंकने की कोशिश करता है, यानी साफ तौर पर मारने की यहाँ पर कोशिश थी। इस घटना के सामने आने के बाद जैसे ही सीसीटीवी जो है रेलवे पुलिस के हाथ लगा, रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर मामले में 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुमेध जाधव बताया जा रहा है प्रशांत। और अहम चीज यह है कि उस दौरान जब वो लड़की को ट्रेन के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसकी माँ वहाँ स्पॉट पर मौजूद थी। उसने जैसे ही देखा और उस लड़की की माँ को देखकर आरोपी तुरंत भागने लगा, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और ये उसकी भागती हुई तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कोशिश इस आरोपी ने की है जिसे अब पकड़ लिया गया है। पहले तो बताया जा रहा है कि खुद ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश कर रहा था, यानी महज एक नाटक की वो जान दे देगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरी दिशा से आई ट्रेन थी उसमें मौजूद उस लड़की को खींचकर बाहर लाता है और फिर ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश भी करता है। जब लड़की लगातार जूझती नजर आती है, नाकाम वो हो जाता है तो वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन ये तस्वीरें पूरे कैमरे में कैद हो गई है। मुंबई के खार रेलवे स्टेशन की यह घटना है। एक तरफा प्यार में पहले तो खुद ट्रेन के आगे कूदने का नाटक करता है और फिर लड़की की हत्या करने की कोशिश भी करता है, फिर जब लोग उसका पीछा करते हैं वहां से भाग खड़ा होता है। आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ लिया है।